क्या है अभिनव की सच्चाई जिसको जानने के बाद रुबीना रो पड़ी। जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि वीकेंड कवायद में कविता कौशिक और रौनित आने वाले हैं, कुछ ऐसा ही हो रहा है। और कविता और रौनित इस शो में आए हैं और सबसे बड़ी बात, ये दोनों ने आकर उस ट्वीट के बारे में, उस मैसेजेस के बारे में डिस्कस किया है जो अभिनव ने कविता को भेजे थे। अभिनव इस बात को लेकर श्योर है कि उसने ऐसे कोई भी मैसेजेस नहीं भेजे, जबकि कविता कहती है कि वाकई में तुम श्योर हो। और साथ में उन्होंने रुबीना को कहा कि क्या वाकई में तुम्हें अपने पति का सच पता है, जिसके बाद रुबीना रोती हुई नजर आ रही है। तो कौन से मैसेजेस की बात है, आखिर ऐसा क्या है जिसको क्लैरिफाई करने के लिए ये दोनों स्टेज पर आए हैं, और वीकेंड का वार में ये दोनों जो है रुबीना और अभिनव से बात करते हुए नजर आएंगे। तो कुछ तो ऐसी बात है, कुछ तो ऐसा सीक्रेट है। हालांकि अभिनव का बार बार ये दावा है कि उसके पास वो सारे मैसेजेस हैं और सारे मैसेजेस प्रोफेशनल मैसेजेस थे, लेकिन कविता जो कह रही है वो कुछ अलग है। निक्की ने आज बताया कि कविता ने उनके साथ शेयर किया था कि 2 महीने बात नहीं हो रही है, क्या वो रुबीना से बात नहीं हो रही, इस बात का जिक्र अभिनव कर रहे थे, और किस तरह की चर्चा जो है कविता ने निक्की के साथ की है, और कल सबके सामने जो है ये पूरा राज खुलेगा। हालांकि आज विकास गुप्ता ने ये जो बात बताई अभिनव को, मुझे पूरा का पूरा ये प्लांटेड लग रहा है कि कल कविता आने वाली थी और ऐसे में विकास ने आज ही ये बात बताई। तो एक बात तो साफ है कि घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड और प्लांटेड हो रही है, और लाइव फीड में खुद राहुल महाजन और इन सबको पता था कि अली गोनी घर के अंदर आने वाले हैं। तो एक बात तो तय है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं अंदर जो सदस्य मौजूद हैं उन्हें पता है, और ऐसे में ये पूरा गेम बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड और जैसा ले जाना चाह रहे हैं मेकर्स वैसा हो रहा है। इसमें अब कोई भी ओरिजिनल चीज़ नहीं रह गई। आप सोचिए, वीकेंड का वार है, कल कविता रौनित आने वाले हैं, और आज विकास ने शो के अंदर अभिनव को ये बातें बता दी, अभी तक नहीं बताई थी, तो आज ही अचानक क्यों बताई। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है अब ये साफ हो रही है कि बहुत सारी चीज़ों को स्क्रिप्टेड किया जा रहा है। और लेकिन सबसे बड़ी बात कि ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या सच्चाई है जिसको जानने के बाद रुबीना रो पड़ी।